स्वागत है दोस्तों आपका एनके क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन देखा था, आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। सो शुरू करते हैं हम न्यूमेरिकल से। उसके पहले हम दो इम्पोर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे सेंटर पे क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है W। सो जब भी आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होता है और सेंटर पे लोड लगता है W, तो उस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है वो सेंटर पे आता है और कितना आता है, WL/4। तो ये आपको याद रखना है, बहुत सारे केसेस में इसकी जरूरत पड़ती है। सो जब भी सेंटर पे लोड लगता है सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाता है गाइस, WL/4। वैसे यहाँ पे सेकेंड केस है जिसमें सिंपली सपोर्टेड बीम पर UDL लगा हुआ है पूरे स्पान पे। तो जब भी पूरे स्पान पे आपका UDL लगता है सिंपली सपोर्टेड बीम में, तब आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे आता है और कितना आता है गाइस, WL²/8। तो ये आपको डायरेक्ट केसेस याद रखने, डायरेक्ट हम इनको यूज करेंगे। सो फर्स्ट केस में आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, WL/4, और सेकेंड केस में आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया गाइस, WL²/8। तो ये आपको रिमेम्बर रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका क्या है। ए बीम इज सिंपली सपोर्टेड एंड कैरीज ए UDL ऑफ 40 kN/m ओवर द होल स्पान। तो ये वाला केस हो गया हमारा जिसमें जो W है वो कितना है आपका, 40 kN/m। द सेक्शन ऑफ द बीम इज रेक्टेंगुलर हैविंग डेप्थ एस 500 mm। सो रेक्टेंगुलर सेक्शन है हमारा, जो बीम है वो कैसी रेक्टेंगुलर बीम है और उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 500 mm। इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द मटेरियल ऑफ द बीम इज 120 Nm/mm², तो हमको पता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो टॉप फाइबर पे आती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन इज 7×10⁸ mm⁴। तो यहाँ पे आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस वो कितना है, 7×10⁸ mm⁴। फाइंड द स्पान ऑफ द बीम, तो आपको एल फाइंड करना है। तो इस केस में आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो कितना हो जाएगा गाइस, WL²/8। तो हम डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करेंगे। सो सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है। बेंडिंग स्ट्रेस है हमारे पास 120 Nm/mm², मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना है हमारे पास, 7×10⁸ mm⁴। डेप्थ ऑफ बीम कितना है, 500 mm। अब ये हमारी रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसमें डेप्थ आपके पास कितना है, 500 mm। अब जो आपका वाई मैक्स है वो न्यूट्रल एक्सिस से होता है टॉप फाइबर तक, तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस सेंटर पे आएगी, तो वाई मैक्स कितना हो जाएगा, depth/2, मतलब D/2। सो वाई मैक्स कितना हो गया आपका, D/2। डी आपको गिवन है कितना, 500। सो 500/2 करेंगे तो ये कितना जाएगा, 250 mm। नाउ W आपको गिवन है 40 kN/m, इसको हम न्यूटन में कर लेते हैं तो 1000 × कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 40,000 Nm/mm। नाउ हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्पाइन फाइंड करना है, तो उसको हम ले लेते हैं L मीटर। अब हमको पता है कि इस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो कितना हो जाएगा आपका, WL²/8। सो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जब भी आपका सिंपली सपोर्टेड बीम पे UDL लगेगा पूरे स्पान पर, तो उस केस में आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, WL²/8। नाउ अब हम हमारी बेंडिंग इक्वेशन यूज करेंगे और बेंडिंग इक्वेशन यूज करके हम जो भी हमारी जो स्पान है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एम फाइंड कर लिया WL²/8 से, W है हमारे पास 40,000 L²/8, ये हम सोल्व करेंगे तो 5,000 L²/Nm आ जाएगा। अब हम सारी यूनिट mm में लेते हैं, तो इस मीटर को हम काय में चेंज कर लेंगे, mm में चेंज कर लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 5,000×10³ L²/mm। अब हम बेंडिंग इक्वेशन यूज कर सकते हैं, तो बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है हमारी, M/I = σ/Y। अब m की वैल्यू है हमारे पास 5,000×10³ L²/7×10⁸ सिग्मा हमारे पास कितना है, 120, और y हमारे पास कितना है, 250। सो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास L² की क्या वैल्यू आ जाएगी, L² आ गया हमारे पास 67.2,
और जब हम इसको अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो हमारा स्पान है वो कितना निकल के आ जाएगा, 8.19 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया गाइस, आंसर। तो इस तरीके से हम जो बेंडिंग इक्वेशन की मदद से अननोन फाइंड कर सकते हैं, हमको हम स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, जो लेंथ ऑफ स्पान है वो भी निकाल सकते हैं, कभी वो हमको W पूछ सकता है कि कितना UDL लग रहा है, तो वो भी हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, न्यूमेरिकल्स में यही पूछते हैं अधिकतर, तो आप इसको ध्यान रखें कि कैसे ये सोल्व होती है, और यूनिट्स का ध्यान रखें क्योंकि इसमें जो यूनिट्स है वो स्पेसिफाई के कि जो मोमेंट है वो न्यूटन MM में ही रखना है। सो आप इसको ध्यान रखना कि हम कैसे उसको सोल्व करेंगे। नाउ आगे हम सेक्शन मॉडुलस देख लेते हैं कि सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। तो हमने देखा था कि सेक्शन मॉडुलस I बाय वाई मैक्स होता है, ये हमारा क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस होता है। बट हम वेरियस सेक्शन के लिए देख सकते हैं, तो जैसे हम देखते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आपका जो जेड है वो कितना हो जाएगा, आई कितना होता है आपका बीडी क्यूब बाय 12, और वाई मैक्स कितना अभी देखा था हमने डी बाय 2। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है आपका बीडी स्क्वायर बाय 6। तो ये आपको याद रखना है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए सेक्शन मॉडुलस कितना होता है, बीडी स्क्वायर बाय 6। ऐसे ही हम सर्कुलर सेक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं, तो सर्कुलर सेक्शन में आई कितना होता है आपका, पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 64, और ये कितना हो जाएगा आपका डी बाय 2, तो ये कितना जाएगा पाई डी क्यूब बाय 32। तो ये हमारा किसके लिए आ जाता है, सर्कुलर सेक्शन के लिए। सेम हम होलो सेक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं गाइस, तो होलो सेक्शन में आपको बस ये याद रखना है कि जो आई होता है वो कितना होता है पाई बाय 64 डी की पावर 4 जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है माइनस इंटरनल डायमीटर। तो हम डायरेक्ट आई बाय वाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन मॉडुलस वेरियस सेक्शन के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है आई बाय वाई मैक्स, तो वो निकल जाएगा किसी भी सेक्शन के लिए निकल जाएगा। तो ये अभी हमने एक एग्जांपल करा है बेंडिंग इक्वेशन का, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो हम सेकंड एग्जांपल करते हैं बेंडिंग इक्वेशन का। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए कास्ट आयरन पाइप ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 40 mm एंड इंटरनल डायमीटर 20 mm ऑफ लेंथ, कितनी दे रखी है आपको गाइस 4 मीटर। When the pipe is supported at its ends and carries a point load of 80 kN. So, यहाँ पे देखिए ये आपका है और वो सेंटर पे कितना है, उसका लोड कितना है, यहाँ पे आपका सेंटर लिख लेते हैं, तो ये कितना है आपका 80 kN। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। तो ये जो केस है हमारे, इसमें हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, WL/4। ये हमारा क्या जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम स्ट्रेस। तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो हमारे पास सिग्मा हमको निकालना है, एक्सटर्नल डायमीटर कितना है आपको 40 mm, इंटरनल डायमीटर कितना है आपका 20 mm, लेंथ आपको कितनी दे रखी है 4 मीटर, और लोड आपको W कितना गिवन है आपका 80 न्यूटन। तो सबसे पहले हम M फाइंड कर लेते हैं, WL/4। So, W है आपका 80 न्यूटन इंटू L आपका कितना है 4 मीटर, तो इसको हम काय में कर सकते हैं mm में, तो ये हो गया हमारा। तो हम M निकाल सकते हैं गाइस, 40 × 10^4, सो ये आ गया आपका 80,000 newton mm। तो ये हमारा M आ गया। अब हम बेंडिंग इक्वेशन की मदद से क्या कर सकते हैं, M by I is equals to क्या लगा सकते हैं, सिग्मा by Y। अब आई कितना है आपके पास, तो आपको होलो सेक्शन दे रखा है, तो होलो सेक्शन के लिए आई कितना होता है पाई बाय 64 डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4। तो हम डी एक्सटर्नल डायमीटर हमारे पास कितना है 40, सो ये आ जाएगा 40 की पावर 4, और इंटरनल डायमीटर हमारे पास कितना है गाइस 20, तो ये आ जाएगा 20 की पावर 4, और इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू 117810 mm की पावर 4। सो आई निकल गया गाइस। वाई कितना होता है डी बाय 2, एक्सटर्नल डायमीटर बाय 2 होता है वाई,
तो y हमारा कितना हो गया t by 2, तो ये हो जाएगा 40 by 2, that is 20 mm. तो हम सारी जो वैल्यूज है हमारी वो बेंडिंग इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो m आपके पास कितना है 80,000 डिवाइडेड बाय आई आपके पास कितना है 117810 इक्वल्स टू सिग्मा हमको फाइंड करना है इनटू 20. तो जब हम सिग्मा निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80,000 इनटू 20 डिवाइडेड बाय 17. तो ये आ गया गाइस आपके पास 13.58 और इसकी यूनिट क्या आएगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. तो ये हम इस तरीके से हमने मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड कर लिया. तो यहाँ पे जो हमारा केस था उसपे सेंटर पे क्या लग रहा था 80 न्यूटन लग रहा था और जो पिछला केस है उसमें हमारा यूडीएल लग रहा था. तो दोनों के लिए आपको जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आता है वो ध्यान रखना है. इस केस में कितना था WL बाय 4 और पिछले वाले केस में कितना था WL स्क्वायर बाय 8. सो ये दो केस है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो आप इनको याद रखें. अब हम चलते हैं कि जो स्ट्रेंथ निकलती है सेक्शन की वो किसके हिसाब से निकलती है वो किस पे डिपेंड होती है. तो हम देख लेते हैं कि जो हमारी सेक्शन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाइस स्ट्रेंथ ऑफ ए सेक्शन. नाउ आपको पता है कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है हमारी आई इज इक्वल्स एम बाय आई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई. अगर हम एम लिखते हैं तो ये लिखते हैं हम सिग्मा इंटू आई बाय वाई और आई बाय वाई को हम क्या लिखते हैं जेड. तो हमारी जो इक्वेशन बन जाती है वो क्या बन जाती है एम इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू जेड. सो हमारी जो इक्वेशन है गाइज वो क्या बन गई एम इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू जेड. अब जो आपकी सिग्मा है वो क्या है आपकी बेंडिंग स्ट्रेस और जो जेड है वो आपका क्या है सेक्शन मॉडुलस. तो अगर आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो आपका गिवन है किसी भी वैल्यू के लिए तो आपका जो एम है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड हो जाएगा जेड पे. और जो आपका स्ट्रेंथ है सेक्शन की वो डिपेंड क्या पे करती है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे. और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है जेड पे. मीन्स जो आपका स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर जाएगा गाइस जेड पे डिपेंड कर जाएगा. डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर जाएगा जेड पे डिपेंड कर जाएगा. तो मतलब किसी भी वैल्यू के लिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा वो जेड पे. तो हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है सेक्शन मॉडुलस पे. अब होता क्या है कि जितना ज्यादा आपका जेड की वैल्यू होगी जितना ज्यादा आपकी जेड की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा आपका सेक्शन स्ट्रांग होगा सो हम देख लेते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ ए सेक्शन मीन्स द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बाय एम इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू जेड वेयर एम इज मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिग्मा इज बेंडिंग स्ट्रेस जेड इज सेक्शन मॉडुलस. फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन दिस सेक्शन मॉडुलस एंड सेक्शन मॉडुलस जो है वही हमारा रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन. वो जितना ज्यादा आपका जेड होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रांग आपका क्या होगा सेक्शन होगा. सो कोई भी सेक्शन के लिए हम जेड को क्या रखेंगे मैक्सिमम रखेंगे तभी वो हमारा जो सेक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा. अब जो इसके क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बीम पे इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जो वेट ऑफ द बीम है वो प्रोपोर्शनल होते हैं क्या क्रॉस सेक्शनल एरियाज पे. सो जो वेट ऑफ रेक्टेंगुलर बीम अगर हमारी जैसे मान लो कि दो बीम है रेक्टेंगुलर बीम और स्क्वायर बीम है तो उनका जो वेट होगा वेट ऑफ रेक्टेंगुलर बीम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ स्क्वायर बीम. सो ये प्रोपोर्शनल है तो हम क्या लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बीम डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्क्वायर बीम. सो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि स्ट्रेंथ ऑफ ए सेक्शन के न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आते हैं. सो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन कंसिडर करा है थ्री बीम्स हैव द सेम लेंथ सेम स्ट्रेस एंड सेम मूवमेंट. तो तीन बीम है हमारे पास जिनकी लेंथ स्ट्रेस और मूवमेंट क्या है सेम है. द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम्स आर स्क्वायर रेक्टेंगुलर. तो एक जो बीम है उसकी सेक्शन कैसा है स्क्वायर है एक का कैसा है रेक्टेंगुलर विथ डेप्थ ट्वाइस दी विथ. तो उसकी जो डेप्थ है वो ट्वाइस है विथ की एंड ए स्क्वायर. तो थर्ड हमारा क्या है सर्कल सेक्शन है. तो हमारे पास तीन सेक्शन है स्क्वायर है रेक्टेंगुलर एंड सर्कल. फाइंड द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द सर्कुलर एंड द रेक्टेंगुलर बीम्स विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर बीम्स. तो हमको
जो वेट एयर रेशियो निकालना है सर्कुलर विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे और एरिया का रेशियो ले लेंगे, तो हमारा जो रेशियो है वेट का वो आ जाएगा। तो हमने तीनों के लिए डायग्राम बना लिए, ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये हमारा रेक्टेंगुलर हो गया और ये हमारा सर्कल हो गया। अब इसके लिए हम साइड एक्स जो है वो मान सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो वीट थे बी है और हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये डेप्थ है ये ट्वाइस है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, टू बी। सर्कल जो हमारा कितना है, डी है डायमीटर उसका। नाउ अब हमारे पास एम इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा इंटू जेड। अब यहाँ पे आपका मूवमेंट और स्ट्रेस सेम है, तो हर जो सेक्शन है उसके लिए सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक के लिए मूवमेंट और सिग्मा क्या है, सेम है, तो सेक्शन मॉडुलस भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम तीनों सेक्शन के लिए क्या निकाल लेंगे, सेक्शन मॉडुलस, और तीनों को कंपेयर कर देंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं किसके लिए, स्क्वायर बीम के लिए। तो जेड क्या होता है, आई बाय वाई, आई लिख देंगे हम बीडी क्यूब बाय ट्वेल्व, और वाई कितना जाएगा, डी बाय टू। अब यहां पर स्क्वायर बीम है तो साइड कितनी होगी, एक्स होगी, तो बी भी एक्स होगा और डी भी एक्स होगा, तो हम लिख लेते हैं, तो हमारा जो सेक्शन मॉडुलस है वो कितना हो जाता है, एक्स क्यूब बाय सिक्स। अब सेक्शन मॉडुलस लिखते हैं किसके लिए, सर्कुलर बीम के लिए। तो z कितना होता है, i बाय वाई, आई कितना होता है, पाई बाय 64 d की पावर 4, और y कितना होता है, d बाय 2, तो ये कितना जाएगा आपका, पाई d क्यूब बाय 32। अब सेक्शन मॉडुलस लिखते हैं किसके लिए, रेक्टेंगुलर बीम के लिए। तो z कितना है अपना, i बाय वाई, तो i कितना है, bd क्यूब बाय 12 इंटू डी बाय 2, तो ये बन जाएगा bd स्क्वायर बाय 6। अब जो d है वो कितना है आपका, 2b, तो वो रख देंगे हम, तो b इंटू टू बी स्क्योर बाय 6 आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या है कि वेट आपको कंपेयर कराना है सर्कुलर से स्क्वायर का, तो हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, फिर आपको कंपेयर करना है रेक्टेंगुलर विद स्क्वायर, तो हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमको किसको कंपेयर कराना है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है उससे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एक्स क्यूब बाय 6 इज इक्वल्स टू पाई डी क्यूब बाय 32। तो यहां से हम डी और एक्स में रिलेशन निकाल लेंगे। फिर सेकेंड हमारा इक्वेटिंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, तो यहां पे हम इक्वेट कर देंगे एक्स क्यूब बाय 6 इज इक्वल टू बी टू बी स्क्योर बाय 6। तो यहां से हम सेकेंड के लिए बी इज इक्वल्स टू निकाल लेंगे। नाउ जो हमारा वेट ऑफ रेक्टेंगुलर बीम अपॉन वेट ऑफ स्क्योर बीम, वो क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बीम अपॉन एरिया ऑफ स्क्योर बीम, तो यह आ जाएगा b इंटू टू बी बाय एक्स क्यू एक्स स्क्योर। तो यहां से हम b की जो वैल्यू हमने यहां पे निकाली है वो पुट कर देंगे, सो वो पुट करते ही हमारे पास जो रेशियो है वो निकल के आ जाएगा। सेकेंड है हमारे पास वेट ऑफ सर्कुलर बीम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ स्क्योर बीम, तो पाई बाय इसका एरिया लिखेंगे डिवाइडेड बाय स्क्योर बीम का एरिया लिखेंगे, और यहां से जो रिलेशन हमने निकाला है d इज इक्वल्स टू ये वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास उसका भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम दो सेक्शन जो है उनके जो वेट है वो कंपेयर करा सकते हैं, हमको बस जो एरिया है वो हमको कंपेयर कराना रहता है। तो आज हमने देखा कि जो बेंडिंग इक्वेशन है उसके हम न्यूमेरिकल किस तरीके से कर सकते हैं, और जो स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन है उसमें दो बीम के जो स्ट्रेंथ है वो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।